हाय गाइस, दिस इज योमेश सिन्हा। हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स के बारे में, जिसमें हमने इंडिजीनियस प्लाउ, एमबी प्लाउ और डिस्क प्लाउ के बारे में डिस्कशन कर चुका है। सो जो बचे हुए प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स के बारे में, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एज यू नो, हमारा यह लेक्चर बायलैंग्वल होने वाला है। जो स्क्रीन पर रिटर्न है वो इंग्लिश में है, बट जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। इसको कंटिन्यू करते हुए हम जो बचे हुए प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स उसके बारे में डिस्कस करने स्टार्ट करते हैं। इंडिजीनियस प्लाउ, एमबी प्लाउ और डिस्क प्लाउ, ये हमारा काफ़ी अच्छे से कवर हो चुका है। जो बचे हुए प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स हैं, आपका चीजल प्लाउ हो गया, सब सॉइलर हो गया और रोटरी प्लाउ हो गया, ये तीनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और जो डिफरेंट प्लाउइंग मेथड होता है उसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हमारा चीजल प्लाउ। चीजल प्लाउ, इट इज ए प्लाउ यूज टू कट थ्रू हार्ड सॉइल बाई मीन्स ऑफ ए नंबर ऑफ नैरो टाइन्स। जैसे कि यहाँ पर ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये किस चीज़ का डायग्राम है? चीजल प्लाउ का डायग्राम है। ये क्या है? आपका प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है, तो इसका जो वर्किंग डेप्थ है मोर देन क्या होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। और जनरली इसको यूज कब करते हैं? इट इज यूज बिफोर यूजिंग द रेगुलर प्लाउ। इट इज यूजफुल फॉर ब्रेकिंग हार्ड लेयर ऑफ सॉइल जस्ट बिलो द रेगुलर प्लाउइंग डेप्थ। जो जनरली हमारा जो रेगुलर प्लाउइंग डेप्थ होता है, वो अगर प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स की बात कर रहे हो आप, तो उसमें क्या होता है, मोर देन 15 सेंटीमीटर डेप्थ पे क्या होता है, वो वर्क करता है। तो जनरल प्लाउइंग जो होता है, उससे भी ज़्यादा अगर डेप्थ में आपको प्लाउइंग करना है, तो वहां पर अपन क्या यूज करते हैं, जो चीजल प्लाउ है उसको यूज करते हैं। अब जैसे कि हमारा एमबी प्लाउ के बारे में डिस्कस किए, डिस्क प्लाउ के बारे में डिस्कस किए कि उनकी वर्किंग डेप्थ कितनी होती है। अब जो एमबी प्लाउ होता है, उसकी जो वर्किंग डेप्थ होती है वो 15 से 25 सेंटीमीटर, उसका जो वर्किंग डेप्थ होता है। आप डिस्क प्लाउ के बारे में जब डिस्कस किए हम, तो डिस्क प्लाउ में देखे कि जो वर्किंग डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर तक होती है। वैसे अगर इससे भी ज़्यादा डेप्थ में अगर आपको प्लाउइंग करना है, तो अपन क्या यूज़ करते हैं, चीजल प्लाउ यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम जो दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है आपका चीजल प्लाउ का इमेज है। यहाँ पर जो ये तो हो गया आपका मेन फ्रेम, और ये जो ऊपर जो ये लगा हुआ है, ये जो जो दो जो ये 3 पॉइंट लिंकेज हो गया, जो कि ट्रैक्टर के पीछे जो 3 पॉइंट लिंकेज होता है, दो लोअर लिंक होते हैं और एक क्या होता है आपका टॉप लिंक, तो उससे क्या होता है, कनेक्टेड होता है और विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक्स ये अप एंड डाउन करता है। इसको बोलते हैं अपन टाइन। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये होता है कि आपका टाइन। जब हम लोग सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स पढ़ेंगे, तो उस वहां पर जब कल्टीवेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो वहां पर काफी डिटेल से है। बट यहाँ पर आप ये जान लो, ये क्या हो गया आपका, इसको बोलते हैं अपन टाइन बोलते हैं। ये हो गया आपका फ्रेम, ये तो आपका 3 पॉइंट लिंकेज से अटैच करने के का हो गया ये वाला, ये हो गया टाइन, ये हो गया आपका कटिंग टूल या फिर सेयर बोलते हैं इसको, जो कटिंग पॉइंट होता है, जो सॉइल को पेनिट्रेशन का काम होता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, जो आपका कटिंग यूनिट है, एज अ बार टाइप लगा हुआ है। जैसे ये देखो, ये एक रॉड रॉड जैसे है, जो कि हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जो कि इसमें शार्पनेस चाहिए होता है बहुत ज़्यादा, इसमें शार्पनेस चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो बार लगा हुआ है, ये हो गया आपका टाइन। तो ये हो गए इसके कंपोनेंट, फ्रेम हो गया, टाइन हो गया, ये कटिंग टूल हो गया, ये सेयर पॉइंट हो गया, और ये हीचिंग पॉइंट हो गया, जो कि आपके ट्रैक्टर के 3 पॉइंट लिंकेज से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका चीजल प्लाउ। और अगर जैसे कि यहाँ पर अगर चीजल प्लाउ से रिलेटेड अगर कुछ भी आया, जैसे कि उसका डेफिनेशन पूछा या फिर डायग्राम, तो डायग्राम आप इस टाइप से एज अ लाइन डायग्राम बना देना, इसका इस लाइन लाइन डायग्राम बन सकता है। तो ये हो गया आपका क्या चीज, चीजल प्लाउ, जो कि एक क्या है, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स है। और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, जो जैसे कि आपका जो भी सॉइल का लेयर हो, बहुत ही हार्ड सॉइल होता है, हार्ड पैन होता है, या फिर जो प्लाउ सोल होते हैं टफ या हार्ड सॉइल, वहां पर इसका क्या करते हैं अपन, चीजल प्लाउ का यूटिलाइज करते हैं। आप प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है, तो प्राइमरी टिलेज करने के लिए अपन जहां पर बहुत ही हार्ड सॉइल है, तो वहां पर अपन क्या यूज करेंगे, चीजल प्लाउ यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या चीज, सब सॉइलर। तो सब सॉइलर है, ये भी क्या है आपका, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स है, और जो इसका वर्किंग डेप्थ होता है वो 40 सेंटीमीटर और मोर अप टू 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है, जो इसके वर्किंग डेप्थ है वो 40 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वैरी करता है। और ये जो सब सॉइलर होता है, एक्चुअली में जैसे कि हम प्राइमरी टिलेज एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो जो प्राइमरी टिलेज होता है वो अपर सरफेस के लिए होता है। बट जो सब सॉइलर है, ये सब सॉइलर क्या काम करता है, जो अपर सरफेस के टिलेज ऑपरेशन के लिए नहीं, जो
बिलो सरफेस है, मतलब जैसे कि आपको मोर देन 40 सेंटीमीटर जैसे कि लिखा हुआ है, अप टू 100 सेंटीमीटर, तो जो अपर लेयर का है उसको उतना डिस्टर्ब नहीं करेगा इस फाइल को, जितना जो एक पर्टिकुलर डेप्थ में आप जितना डेप्थ पे इसको ऑपरेट कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर डेप्थ में वहां पर ज्यादा डिस्टर्बेंस करेगा सॉइल को, और जो अपर सरफेस है वहां पर जो अपर लेयर का जो सॉइल है वहां उतना डिस्टर्बेंस नहीं करेगा ये सब सॉइलर जो है। तो जो सब सॉइलर है, इट इज ए प्लाउ डिजाइन टू पेनिट्रेट द सॉइल टू डेप्थ मोर देन दोज अचीव ड्यूरिंग नॉर्मल प्लॉइंग ऑपरेशन। जैसे कि जो नॉर्मल प्लॉइंग ऑपरेशन होता है, आप प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट से जो अपन प्लॉइंग करते हैं उसमें जो वर्किंग डेप्थ होता है वो लगभग लगभग 15 to 30 सेंटीमीटर के आसपास होता है, बट उससे भी ज्यादा डेप्थ में अगर आपको क्या करना है, प्लॉइंग करना है, जो कि आपका अपर लेयर है, जो एक पर्टिकुलर डेप्थ के बाद जो सॉइल का लेयर है, अगर वहां पर आपको डिस्टर्ब करना है उस सॉइल को, तो वहां पर अपन क्या यूज करते हैं, सब सॉइलर यूज करेंगे। इसकी जो वर्किंग डेप्थ होती है वो 40 सेंटीमीटर और मोर देन अप टू 100 सेंटीमीटर, इट मीन 40 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है। कहीं कहीं आपको 40 to 75 मिलेगा, तो जैसे कुछ कुछ बुक्स में जाओगे तो वहां पर ऐसे जो वैल्यू है वैरी करता है, तो बस इतना ध्यान रखना 40 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक इसका क्या होता है, वर्किंग डेप्थ होता है। यहाँ से सिर्फ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि जो जब वर्किंग डेप्थ ऑफ सब सॉइलर इज, आपके पास चार ऑप्शन दे देंगे, 10 to 15 सेंटीमीटर, 15 to 30 सेंटीमीटर, 30 to 40 सेंटीमीटर एंड 40 to 75 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपका सब सॉइलर का वर्किंग डेप्थ क्या होता है, व्हाट इज द वर्किंग डेप्थ ऑफ सब सॉइलर, या फिर आपसे यहाँ पर डायरेक्ट अगर डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज सब सॉइलर, तो आप लिख देना इट इज ए प्लाउ डिजाइन टू पेनिट्रेट द सॉइल टू द डेप्थ मोर देन दोज अचीव ड्यूरिंग नॉर्मल प्लॉइंग ऑपरेशन। जो नॉर्मल प्लॉइंग ऑपरेशन होता है, अगर उससे ज्यादा डेप्थ में आपको प्लॉइंग ऑपरेशन करना है तो वहां पर क्या होता है, आपका सब सॉइलर यूज होता है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट प्लाउ के बारे में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्लाउ क्या है, रोटरी प्लाउ। तो ये हमारा प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट्स के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारा लास्ट क्या है, आपका रोटरी प्लाउ। तो रोटरी प्लाउ क्या, इसको नाम रोटरी प्लाउ इसलिए बोलते हैं कि जो इसमें जो टिलेज ऑपरेशन होता है, तो इसमें जो इसके जो टूल्स लगे हुए हैं, जो कटिंग टूल है, तो उसमें रोटरी मोशन होता है। इस नाम से अपन इसको क्या बोलते हैं, रोटरी प्लाउ कहते हैं। ये जो इमेज दिख रहा है आपको, ये क्या है, आपका रोटरी प्लाउ। इट इज ए प्लाउ यूज टू कट एंड पल्वराइज सॉइल बाई इम्पैक्ट फोर्स बाई मीन्स ऑफ ए नंबर ऑफ रोटरी टाइन्स और नाइन्स विच आर माउंटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोटर। ठीक है ना, ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल रोटर हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो कटिंग आपका जो कटिंग टूल है, या फिर ये क्या हो, ये जो दिख रहा है ना, ये ब्लेड्स जो लगे हुए हैं, ये ब्लेड्स क्या है आपका कटिंग कटिंग यूनिट है इसका। तो इसमें क्या होता है, रोटरी मोशन होता है, और क्योंकि इसमें रोटरी मोशन होता है इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, रोटरी प्लाउ कहते हैं। ये एक प्रकार से रोटरी प्लाउ के अंदर एक और जो रोटावेटर है वो भी एक रोटरी प्लाउ है, बट जो रोटावेटर होता है वो स्पेशल केस होता है। जो रोटावेटर है वो आपका प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट्स और सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो। जैसे कि आप एक टिलेज प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन करने के बाद सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन करोगे, तो जितना आपको सॉइल पोलराइजेशन मिलेगा उतना आप रोटावेटर को एक बार चलाओगे तो वो आपको वहां पर उतना ही जो सॉइल का पोलराइजेशन है वो आपको मिलेगा। तो जो एक रोटावेटर एक प्लाव है, यहाँ पर ध्यान देना, रोटावेटर भी है वो एक स्पेशल केस होता है, वो प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट भी नहीं आता और सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट भी नहीं आता, वो स्पेशल केस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज इंप्लीमेंट होता है वो। बाकी वो है रोटरी प्लाउ ही, बट आप कंफ्यूज मत होना इस चीज से कि जो रोटावेटर है वो रोटरी प्लाउ है ऐसे करके। तो ये क्या हो गया आपका रोटरी प्लाउ। रोटरी प्लाउ इज आल्सो कॉल्ड एज रोटरी टीलर। जो ये वाला दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, हमारा रोटरी टीलर हो गया। इट इज सुटेबल फॉर सैलो कल्टिवेशन एंड वीट कंट्रोल। जनरली जो रोटरी टीलर होता है उसको पावर टीलर में अटैच किया जाता है, और जो सैलो कल्टिवेशन के लिए एक जो इसकी वर्किंग डेप्थ उसकी उतनी ज्यादा नहीं होती, या फिर जो सैलो कल्टीवेशन होता है वहां पर इसको क्या करते हैं, रोटरी प्लाव को यूज किया जाता है। और ये क्या हो गया आपका रोटरी प्लाव हो गया। इसमें जो ये जो कटिंग ब्लेड लगे हुए हैं इसमें क्या होता है, रोटरी एक्शन होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, रोटरी प्लाव। रोटरी प्लाव में एक चीज ध्यान देना आप, कि जैसे कि उसमें रोटरी एक्शन हो रहा है इसलिए इसका नाम क्या है, रोटरी प्लाव है, और प्लाउइंग एक्शन कर रहा है इसलिए क्या है, ये प्लाव है। तो दोनों मिला क्या हुआ, रोटरी प्लाव। तो ये हो गया आपका प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट्स के बारे में कंप्लीट होता है, कि जो डिफरेंट टाइप के प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट्स हैं, हमने जो फर्स्ट क्लास से जो डिस्कस करते आ रहे हैं, इंडिजीनियस प्लाउ हो गया, एमबी प्लाउ हो गया, डिस्क प्लाउ हो गया, और आज हमने क्या क्या देखा, चीजल प्लाउ हो गया, सब सॉइलर हो गया, और ये क्या हो गया आपका लास्ट में रोटरी प्लाउ।
तो ये हमारा जो प्राइमरी ट्रेज इंप्लीमेंट्स है यहाँ पर होता है कंप्यूट। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्लॉइंग मेथड जो होता है उसके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। सो ये हमारा हो गया प्राइमरी ट्रेज कंप्लीट। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू।